यार इंडियन आर्मी बेस्ट जो आपने चाइनीज सोल्जर को भगाया ना, अबे कमाल, अबे कमाल भगाया यार। हाँ, देखो ना उनके मुंह पे तमाचा, ये वीडियो सामने आ गई। चाइनीज छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं। ये इंडिया आर्मी के गबरू जवान है, गबरू जवान की एक भी बड़ी हुई ना। दो साल पहले 300 से ज्यादा बिलियन डॉलर चाइना में आ रहे थे इन्वेस्टमेंट्स, और 90% गिर के पिछले साल 30 बिलियन डॉलर के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आए चाइना में। तो वेस्टर्न इन्वेस्टर्स अब चाइना में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट दूसरी जगह कर रहे हैं। इंडिया, पाकिस्तान कर्ज लेके हथियार खरीदता है कि इंडिया ने रख लिए, हम पे हमला ना हो जाए, जबकि वो क्लियरली कहते हैं कि ये आपके लिए नहीं है, आपको तो हम 100 साल पीछे छोड़ दिए। डॉक्टर एस जयशंकर, उनके फॉरेन मिनिस्टर का बयान सोशल मीडिया पे मौजूद है, पाकिस्तान इज एन एक्सेप्शनल केस। आपको पता है कि कल फॉरेन मिनिस्टर्स जो थे एससीओ ममालिक के, उनकी मुलाकात हुई सेंट्रल एशिया में, एंड डॉक्टर जयशंकर वहां नहीं गए। चाइना पे जो डिपेंडेंस था मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उससे जो कंट्रीज डीरिस्किंग कर रहे हैं या चाइना से डीलिंकिंग कर रहे हैं। लाइन में अगर इंडिया और पाकिस्तानी खड़ा हो ना, तो वो कहेंगे कि इंडियन पहले आए। वो जॉब वो इंडियंस को देते हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस है, जैसे आपने कहा हथियार खरीदना अच्छी बात है, सर हथियार भी खरीद रहे हैं, आर्मी भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है। इसी बीच भारतीय सेना के जवानों ने टग ऑफ वॉर में चीनी सैनिकों को आसानी से मात दे दी। इसका एक वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन के तहत सूडान अफ्रीका में तैनाती के दौरान भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच खेल प्रतियोगिता हुई। सेना के अधिकारियों ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि टग ऑफ वॉर में दोनों देशों के सैनिक आमने सामने थे। दोनों देशों के सैनिकों के बीच यह बहुत ही रोमांचक मुकाबला रहा। इसमें भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को हरा दिया। इस दौरान पूरे खेल की वीडियोग्राफी भी की गई। इस वीडियो में भारतीय सैनिकों को जीत के बाद जश्न मनाते हुए देखा जा सकता है। वही वीडियो वायरल होने के बाद भारतीय भी गर्व महसूस कर रहे हैं। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षा मिशन का मकसद युद्ध प्रभावित देशों में सतत सुरक्षा और शांति स्थापित करना है। चाइना पे जो डिपेंडेंस था मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उससे जो कंट्रीज डीरिस्किंग कर रहे हैं या चाइना से डीलिंकिंग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं पिछले दो साल से मुसलसल चाइना के एक्सपोर्ट जो डायरेक्ट हो रहे थे अमेरिका को, वो कम हो रहे हैं। बाद लोगों का ख्याल है कि चाइना इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट कर रहा है मेक्सिको के थ्रू, वियतनाम के थ्रू, लेकिन डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स अमेरिका के लिए कम हो रहे हैं, यूरोप के साथ भी कम हो रहे हैं। सो देयर इज एन एफर्ट कि चाइना से ट्रेड भी कम करें, और चाइना पे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो तो बिल्कुल ही गिर गए हैं। जैसा मैंने इससे पहले भी आपसे कॉन्वर्सेशन में बताया था कि दो साल पहले 300 से ज्यादा बिलियन डॉलर्स चाइना में आ रहे थे इन्वेस्टमेंट्स, और 90% गिर के पिछले साल सिर्फ 30 बिलियन डॉलर के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आए चाइना में। तो वेस्टर्न इन्वेस्टर्स अब चाइना में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट दूसरी जगह कर रहे हैं, इंडिया, मेक्सिको, ब्राजील, वियतनाम की तरफ देख रहे हैं। तो बेसिकली सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो इससे पहले जो चाइना बिकेम द वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरिंग, उसको चाइना शॉक कहते हैं, जिसके वजह से खासतौर से वेस्टर्न कंट्रीज में, डेवलप कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग बहुत महंगी हो गई, कीपिंग फैक्ट्रीज बिकेम वेरी एक्सपेंसिव,
वर्कर्स की सैलरीज भी बहुत महंगे, बेनिफिट्स वगैरह, तो वो सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग चाइना को मूव कर दिया, जिसके वजह से एक किस्म से वेस्टर्न कंट्रीज में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, यानी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कम हो गई और उनकी इकोनॉमीज बिकेम मोर एंड मोर सर्विस इंडस्ट्रीज। ये चाइना शॉक नंबर वन था। लेकिन अब लोग चाइना शॉक 2.0 की बात कर रहे हैं, और ये जो चाइना का शॉक 2.0 है वो सिर्फ पिछले 1.5 साल से 2 साल से उसका जिक्र हो रहा है, और मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले कन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और इस वीडियो को देखने के बाद इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। तो ये चाइना 2.0 है, चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो कई 30 साल तक 8-10% से वो ग्रो हो रहा था, एंड देन अब कोविड के बाद से इट हैज गॉन डाउन पिछले 3 साल से 4-4.5%। इस फर्स्ट क्वार्टर में चाइना कह रहा है 5%, एस्टिमेट्स आर बिटवीन 4.7, 4.9, 5.1, इस तरह के मुख्तलिफ फोरकास्ट आ रहा है। लेकिन इट इज़ नॉट एट द सेम लेवल जो पहले चाइना ग्रो हो रहा था, लेकिन 5% भी चाइना के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसके बेस अब बढ़ गया है, इट्स एन $18 trillion इकोनॉमी। तो चाइना ने के साथ और दो मसाइल हो रहे हैं, एक कि उसका डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत डाउन है, उसके जो डोमेस्टिक रियल एस्टेट मार्केट है वो तकरीबन कोलैप्स पर है, और चाइना का GDP 30% उसके रियल एस्टेट और हाउसिंग और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से आ रहा था, तो वो बिल्कुल ही डाउन है, एक किस्म से रियल एस्टेट बलून वो फट गया है। और जो तीसरी चीज़ है, चाइना डिफ्लेशनरी इकोनॉमी, यानी चीज़ों की कीमतें गिर रही है, बढ़ नहीं रही है। अगर सोचिए आप, अगर कोई लोग 10 चीज़ें खरीद रहे हैं साल भर में एक एक रुपये में, तो उसका GDP 10 रुपये हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी चीज़ गिर के कीमत 90 रुपये पैसे हो गई, तो अगर 10 चीज़ें बिके भी तो 9 हो जाएगा GDP। इसलिए डिफ्लेशनरी जब इकोनॉमी हो जाती है तो उससे भी GDP श्रिंक होता है, और तो डोमेस्टिक कंजम्पशन भी गिर गया है। तो चाइना इज हैविंग लॉट ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी प्रॉब्लम्स, तो उससे वो निकलने के लिए उसने जो नई स्ट्रेटजी बनाई है कि वो फिर दोबारा मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहा है विद एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन। लेकिन इस बार पहले वो लो टेक चीज़ों में जा रहा था, अब वो बहुत ही हाई टेक, यानी जो ग्रीन एनर्जी है, AI बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोलर सेल्स, इस तरफ जा रहा है, और स्टेट्स ने बहुत कर्जे लेकर बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बना ली है, और इतनी सस्ते में बेच रहे हैं इतनी हाई क्वालिटी चीज़ें कि यूरोप और अमेरिका बिल्कुल कम्पीट ही नहीं कर सकते। अगर आप पिछले हफ्ते देखें, मैंने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कन्वर्सेशन किया, तो उसमें मैंने तफसील से बताया हाउ द वेस्ट इज स्ट्रगलिंग टू कम्पीट, और क्योंकि वो चाइना से कम्पीट नहीं कर सक रहे हैं, वो टैरिफ वगैरह बढ़ा दे रहे हैं, यानी कस्टम्स लगा रहे हैं चाइना के एक्सपोर्ट्स पे। अमेरिका तो 100% का लगा दिया।